अरे भाई आज के लिए इतना काफी है। अरे भाई बहुत सारे डायमंड्स मैंने आज माइन कर लिए, तो थोड़ा बहुत कॉबलस्टोन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा हुआ है। काम करते हैं, मैं कॉबलस्टोन जो है थोड़ी बहुत जो है छेद वगैरह यहाँ पे भर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कल जब मैं वापस यहाँ पर डायमंड्स माइन करने आऊंगा, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे फिर से डायमंड्स माइन करने आएंगे, क्योंकि बहुत सारे डायमंड्स अभी मैंने उठाए भी नहीं है। तो जब हम कल डायमंड माइन करने आएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये कॉबलस्टोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और गाइस आपको पता है कि हमारे यहाँ गांव के अंदर एक चोर है जो कि लगातार मेरे डायमंड्स बार बार चोरी करके लेके जा रहा है, और मुझे पता भी नहीं कि वो चोर कौन है। आई डोंट नो, मैंने इतने सारे डायमंड्स मैंने माइन किए थे, मेरे को पता भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सिर्फ मैंने एक दो स्टैक्स और रखे हैं अपने पास जो मैंने अभी ये स्ट्रिप माइनिंग करके माइन किए हैं। और आपको बताया गाइस कि मेरी टैची के अंदर, मेरे घर के अंदर जो टैची है उसके अंदर पूरे 3 स्टैक्स डायमंड्स हैं, जिसकी रखवाली करने के लिए मैंने बकायदा लॉगी को बैठा कर रखा है। उम्मीद है मेरे लिए उसने खाना वगैरह वहाँ पे बना कर रखा होगा। भाई मैं तो एकदम से पसीना हो चुका हूँ, बस मेरे को घर जाना यहाँ पे। और शाम अरे मैं तो अबे सुबह तो अभी हुई है भाई, मैं पूरी रात डायमंड माइनिंग करता गया भाई, मेरे को लॉगी की तरह। ये लॉगी, अरे भाई लॉगी कैसे हो? कैसे हो, डायमंड माइन कर लिए? तूने कहाँ से डायमंड्स माइन किए? मेरे को तो ये समझ भी नहीं आ रही कि तेरा घर डायमंड से बना हुआ है। कैसे? ये वाला तू कहाँ से लेके आ रहा डायमंड्स? मैं माइन करके लेकर आया हूँ। ये कौन सी माइन जो तू ही कर रहा है, मेरे को करने नहीं दे रही है? तेरे पास कितने सारे डायमंड्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाई, इसका मतलब कि तेरे पास 90 डायमंड्स है, कहां से लेके आ रहा है डायमंड्स? ले बारिश भी हो गई, मैं तो घर जा रहा हूँ यार, मैं तो घर जा रहा हूँ, मुझे अपने डायमंड्स देखने हैं। मेरा घर कहाँ है? मैं तो इतना बौखला चुका हूँ कि मेरे डायमंड्स मुझे ओए बिजली चमक रही है, मुझे इतना घर पता ही नहीं लग रहा कौन सा है। लगे तो रात को यहीं सोएगा, अपने घर सोएगा? चल अपने घर जा, मुझे रात को आराम करना है, चल निकल यहाँ से। आपके ऊपर चेस्ट पड़े हैं। गो 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 वे, ऊपर चेस्टों में कुछ नहीं है, दिस इज माय चेस्ट, यहाँ पे घर मत आइयो। अरे यहाँ पे खाना पीना पड़ा है, काम करता हूँ, अपना सेव हाथ में ले लेता हूँ जस्ट इन केस। चल लगे मैं तुझे मिलता हूँ कल सुबह। हो गया, ओके। तो चलिए गाइस, ये रहे मेरे 3 स्टैक्स ऑफ डायमंड्स। यार ये चोर फिर से आके मेरे घर के अंदर से डायमंड चोरी करके लेके जा रहा है यार। एक काम करता हूँ गाइस, पूरी रात आज जो है हाथ में तलवार, मेरी तलवार कहाँ है? वेयर इज माय सोर्ड? मेरे पास सोर्ड भी नहीं है, शिट, मेरे पास सोर्ड भी नहीं है। मुझे काम करना चाहिए, मुझे बारिश के अंदर जाऊंगा, मैं फटाफट से बारिश के अंदर जाऊंगा, मुझे अपने लिए सोर्ड बनानी है। लॉगी, आपकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्या कर रहे हो अंदर? मैं नहीं हूं, मैं ठीक हूं। तू जा घर जा, मैं सो रहा हूं। सोना है, सो जा। तो लीजिए गाइस, एकदम से गुड मॉर्निंग हो चुकी है माइनक्राफ्ट के अंदर। विलेजर भाई कैसे हो तू? तेरे ट्रेडिंग क्या कर रहा है? अरे सस्ते काम। लॉगी जरा चर्च के अंदर देख के, मुझे रात को वहां से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, वैसे आवाजें तो नहीं आ रही। मैंने लॉगी को चर्च के अंदर इसलिए भेजा क्योंकि गाइस मैं सोर्ड नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लॉगी फिर सोचेगा कि हमारे पीसफुल वर्ल्ड के अंदर सोर्ड की क्या जरूरत पड़ चुकी है। लेकिन मुझे उस चोर को पकड़ना जो मेरे डायमंड चोरी करके लेके जा रहा है। लॉगी यार एक प्रॉब्लम सी हो रही है यार, अब सच्ची बात बताऊं? चलो तेरे से क्या छुपाना, तू भी अपना बंदा है। हमारे यार हमारे गांव के अंदर कोई चोर है भाई जो मेरे डायमंड्स चोरी करके लेके जा रहा है। मेरे पास पता है कल यहाँ पे मेरे पास 3 स्टैक्स थे डायमंड्स के, और अभी मेरे पास सिर्फ 2 ही बचे हैं, और ये मैं 2 कल लेके आया था, तो टोटल मेरे पास 5 स्टैक्स होने चाहिए डायमंड के, लेकिन मेरे पास 5 स्टैक्स नहीं है। प्लीज मेरी हेल्प कर यार, तेरे पास डायमंड बहुत ज्यादा है यार, तू कैसे कर रहा है ये? मैं आपको एक बंदे के बारे में बताता हूँ। अच्छा, वो चोर है? नहीं, चोर नहीं है। कौन है वो? वो उसके पास एक खतरनाक फॉर्चून वाली पिकैक्स है जिससे आप तोड़ोगे और ब्लॉक्स डबल होती जाएंगी। सीरियसली? हाँ। उसको उसके लिए क्या चाहिए उसको? नहीं, वो वैसे वो सामने ही रहता है, मेरी सेटिंग उसके साथ चलती है। लेकिन उसको बदले में क्या चाहिए उसको? बदले में आप उसको 5-6 ब्रेड दे दो, वो मान जाएगा। 5-6 ब्रेड से मान जाएगा? आई थिंक मेरे पास इन्वेंटरी में ब्रेड है। लगी जरा अपनी देखिए, जरा ब्रेड है तेरे पास तो? जरा मेरे को ब्रेड चाहिए। अरे यार मेरे पास तो ब्रेड भी नहीं है। एक काम करते हैं गाइस, ऊपर चेस्ट पड़ा हुआ था, अरे एक ब्रेड मेरे को मिल चुका है, 2 आई थिंक 2 इनफ होंगे। लगी 2 इनफ है क्या? 2 फिर वो सिर्फ आधे दिन के लिए मिलेगा। कोई बात नहीं, आधे दिन के लिए किराए पे दे देंगे, बाकी उसको मैं अगले दिन वापस कर दूंगा। तो चल लॉगी मेरे को दिखा वो विलेजर किस तरफ है, क्योंकि मेरे को यार ये दिमाग मेरा खराब हो चुका है यार, मैं कब से डायमंड माइन कर रहा हूँ। अमीर आदमी है इसलिए। सीरियसली इतना अमीर है वो विलेजर? ऑब्वियसली उसके पास जो खतरनाक वाली पिकैक्स है, वो कभी भी डायमंड माइन कर सकता है यार, मेरे को नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस विलेजर के बारे में मेरे को पता क्यों नहीं था अभी तक यार? पता नहीं है आपको? नहीं पता होगा, आप घर से बाहर कभी निकलते कब हो? तो ये मैं डायमंड माइन करने बिजी हूँ यार, मैं डायमंड माइन करता हूँ सारा दिन, रात को आता हूँ चोरी। ओ तेरी, मैं भी नीचे करने वाला था। ओरा सामने उसका घर। कहाँ पे है ओरा? किधर है? पहाड़ के पीछे। व्हाट द हेल गाइस, मुझे उसका घर ऑलरेडी दिख रहा है। यो भाई पूरा घर उसको एमरल्ड से बना हुआ है, वैसे पूरा तो नहीं, बहुत सारा घर उसका एमरल्ड से बना हुआ है। आई थिंक इसकी पिकैक्स में कोई ना कोई तो बात होगी, लगता है सबको किराए पे दे रहा है, और उसी ने उस पिकैक्स से बहुत सारा पैसा कमाया।
बस आते ही रहो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आप यहीं पे ऐसा ऐसा आना, मैं उसके साथ बात करके आता हूँ। तेरी सेटिंग है उसके साथ क्या? बात करके आता हूँ। ओ भाई गाइस घर देखो भाई, आई थिंक अंदर जाना फिलहाल हमें अलाउड नहीं होगा, इससे ट्रेडिंग कैसे करेंगे? नहीं मैं इसके साथ अभी बात करता हूँ। कैसे बात करके लोगे अंदर जा रहा हूँ। ओ भाई कैसे हो? अरे भाई इसका पूरा हीटेड फ्लोर लावा से बना हुआ। यो पाजी हाँ नहीं चला रहा पाजी। अरे अगर भाई मेरे ओ आपका पिकैक्स चाहिए? हाँ मैं इसको दो ब्रेड देता हूँ। हाँ बोल रहा है लोगी हट जाइए, मैं इसको दो ब्रेड दिया। दो मैंने फेंक तो दिए, दो ब्रेड उठा मत लिए। उठा ले, उठा ली इसने। यस उसकी पिकैक्स कहाँ पे है? जस्ट में व्हाट, ये तो नॉर्मल पिकैक्स लग रही है, मेरे को धोखा दे रहा है तू। वो बाहर से डिस्गाइज है। अच्छा हाँ। तो गाइस ये हमारी स्पेशल वाली पिकैक्स मेरे को लॉगिन ने खरीद के देख रखी है, और आधे दिन के लिए गाइस ये पिकैक्स मेरे पास होगी। इसके ऊपर है 1.3 अटैक स्पीड और 5 अटैक डैमेज, और ये इसके ऊपर मेंडिंग कौन सी लगी हुई? आई थिंक इसके ऊपर मेंडिंग लगी हुई एन्चेंटमेंट। तो काम करते हैं गाइस, ये पिकैक्स में अभी अपने डायमंड्स वाली जगह पर जाकर चेक करूंगा और देखते हैं कि ये कितनी मतलब कि कितने डायमंड्स मेरे को देती है। तो मतलब कि इसके ऊपर इन्फिनिटी फॉर्च्यून लगी हुई है भाई। यहां पर एक ट्राई कर दो। कहां पर? नहीं नहीं मैं ये ट्राई करूंगा डायमंड्स के ऊपर। तो काम करता हूं गाइस, मैं अपनी सुरंग के अंदर चलता हूं। और अरे यार अगर तो पीछे रह गई, अगर मैं सुरंग के अंदर जाऊंगा तो लॉगी मेरे डायमंड्स का ख्याल रखियो यार, कोई चोर घूम रहा है, मेरे डायमंड्स खोने नहीं है मेरे को। अच्छा तो ठीक है, अभी मैं घर पे जाता हूं। तू घर पे जा, मैं नीचे माइनिंग करने जाता हूं। कहां पे हमारी माइन? कहां पे थी? इस तरफ ही थी कहीं। ओ भाई ये पिकैक्स तो मेरे को रातों रात लगता अमीर बनाएगी, और मुझे लगता है कि ये पिकैक्स सिर्फ डायमंड्स के ऊपर काम करती है। इसके ऊपर कोई स्पेशल मैजिकल पावर्स लगी हुई है जो सिर्फ डायमंड के ऊपर काम करते हैं। गाइस मैं काम कर रहा हूं, सबसे पहले ये लावा ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस लावा के ऊपर गिरना नहीं है। वो क्या बात है यार, एकदम बढ़िया। मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर टॉर्चेस वगैरह भी लगा देता हूँ ताकि मुझे अंधेरा पसंद नहीं है, कोई रिपेयर वगैरह आ गया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चलिए गाइस ये है नॉर्मल डायमंड ब्लॉक, अगर इसके ऊपर मारूं तो मुझे लगता है कितने मिलेंगे। ये घटिया लेवल की पिकैक्स, मेरे को एक ही डायमंड मिला इसको। क्या ये दो मिल रही है? वो इससे डबल हो जाएंगे ब्लॉक, कह रहा है मेरे को कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो ये तीन हो गई। क्या कर रहा है ये? What the hell? काम करता अगर मैं इसके ऊपर ट्राई करूं तो कॉबलस्टोन डबल तो नहीं हुआ है। उसने बोला था कि किसी चीज के ऊपर मारोगे तो वो चीज डबल हो जाएगी। वेट अ मिनट, मेरे पास 64 पहले थे। अरुण थे कि मेरे पास पहले 64 कॉबलस्टोन थे। मैं काम करता हूं, ये भी फेंक देता हूं, ये भी फेंक देता हूं। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। काम करता हूं मैं यहां पे ट्राई करूं तो ओरे जल रही है। यो मेरे पास 14। ओके गाइस ओके ये एकदम से सिंपल है। अभी मेरे पास 14 कॉबलस्टोन है। अगर मैं एक बार और इसके ऊपर मारूं तो आई गॉट 30 कॉबलस्टोन। यस तो उसकी पिकैक्स एकदम धांसू है, अगर इसके ऊपर मारो तो मेरे को कितने डायमंड्स मिलेंगे? व्हाट द हेल गाइस, मैंने एक मारा 35 डायमंड्स। होली शिट यार, ये तो होली मूली नहीं तो होली शिट ही हो गया यार ये तो। एक काम कर दो गाइस, रात रात गाइस अभी मेरे को इस चोर की, पहले तो मैं चोर की बैंड बजाऊंगा। मुझे सबसे पहले पता करना कि आखिरकार वो चोर है कौन जो मेरे डायमंड चोरी करके लेके जा रहा है। वाकई में गाइस इसकी पिकैक्स तो एकदम व्हाट ये एकदम बढ़िया हो रहा है यार यहाँ पर तो। उसकी पिकैक्स तो एकदम धांसू है। आई थिंक गाइस आधा दिन हो चुका है, मुझे उसकी पिकैक्स वापस कर देनी चाहिए लेकिन अभी नहीं। ओए रात हो रात अमीर ब्रो। एक काम करते हैं गाइस, लास्ट डायमंड बचा हुआ है। ओ माय गॉड यो, आई थिंक गाइस इतना लालच नहीं करते, इतना काफी होगा। मुझे इस बेचारे की पिकैक्स ही वापस करनी है, आधा दिन हो चुका है और अब भी गाइस मजा आने वाला है यार। एक काम करता हूँ मैं फटाफट से लॉगी को ना अपने घर के सामने खड़ा कर देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भाई तू मेरे डायमंड्स का गार्ड करियो, तब तक मैं ये पिकैक्स उसको वापस दे के आता हूँ। लॉगी भाई ये पिकैक्स एकदम मस्त वाली है यार, ये ले मैं तेरे को एक साथ डायमंड फ्री में देता हूँ, ये ले भाई। मैं तो रात रात माला माल हो चुका है। ओ भाई एकदम खतरनाक है। आई थिंक गाइस लॉगी पिकैक्स का टाइम जो है खत्म होने वाला है। मैं अपने डायमंड्स इस चेस्ट के अंदर रख रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 नियरली 7 स्टैक्स मेरे डायमंड्स हैं। तो मुझे ये थोड़ी रखवाली करियो डायमंड्स की, ठीक है? मैं और मैं ये पिकैक्स वापस देख के आता हूँ ताकि वो मेरे ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज ना करे, ठीक है? वहीं पे रहियो डायमंड्स के पास रहियो, कुछ जाने ना पाए, किसी ने भी आने की कोशिश की ना तो अपने तीर कमान से खोप दियो उसको, ठीक है? ओ लाइब्रेरियन भाई तेरी पिकैक्स पता है कितनी जबरदस्त है भाई, मेरे पास तो पूरे मेरे को तो पता भी नहीं कितने स्टैक्स थे। तो एक काम करता है तो अपनी पिकैक्स वापस ले ले, इसके ऊपर मैंडिंग लगी है गाइस, तो इसका मतलब ये कितनी आसानी से टूटेगी नहीं भाई। मैं कल से फिर आऊंगा तेरी पिकैक्स 3-4 घंटे के लिए लेके चला जाऊंगा। थैंक यू ब्रो। वैसे इसका घर बहुत मस्त है यार, पूरा एम्ब्रल से बना हुआ है और पूरी बाहर से भी सनलाइट आ रही है और दरवाजे भी लोहे के लगे हुए हैं ताकि पिलेजर्स वगैरह या गोलम्स वगैरह या कोई बाहर के जो लोग हैं एंडरमैन वगैरह इसके ऊपर हमला ना करें। और पूरा बाहर भी एम्ब्रल लगा कर रखा, कितना पैसा छोरे के पास हुए
व्हाट द हेल। एक काम करते गाइस, मुझे अपने डायमंड्स एंजॉय करने और मैं भी सोच रहा हूँ कि बिल्कुल लॉगी की तरह ना, ओ भाई एकदम मजा आने वाला, बिल्कुल लॉगी की तरह मैं भी कुछ दीवारें जो है घर के ब्लॉक्स जो है पूरे डायमंड से कर दूं, ताकि लोगों को ये पता लगे कि हमारे पास भी डायमंड्स हैं। तो चलिए, मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा, अपना चेस्ट मेरे को फटाफट से वापस खोलना है। लॉगी, मैं अपने घर पे बस आ रहा हूं। अपने घर पे क्या कर रहा है तू? अरे मेरे को तो मैंने यहाँ पे गार्डिंग करने के लिए लगा कर रखा था, इसका मतलब ये कि मेरे डायमंड्स फिर से चोरी हो गए। नहीं होगा, मैं टॉरेंट गया था यार। ये क्या है, मेरे डायमंड फिर से चोरी हो चुके हैं। व्हाट द हेल, तेरे को मैंने बोला था कि यहाँ पे गांव के अंदर चोर घूम रहा है, ये विलेजर तुम चोर हो। मुझे लग रहा है कि चोर जी छलांगे तू मारा, तेरे पास डायमंड है। मेरे डायमंड्स कहाँ है? अरे खोए, मुझे पता नहीं मेरे डायमंड्स है मेरे को। अरे कोई बात नहीं, मिल जाएंगे आपको। यार एक ही स्टैक बचा, यार मेरे पास इतने सारे स्टैक्स थे, उसने एक स्टैक फिर क्यों छोड़ा? यार व्हाट द हेल, अब मेरे पास तो वीट भी नहीं है उसको किराए पे लेने के लिए पिकैक्स उसकी। यार एक काम करता हूं गाइस, यहां पे उगर ही है लोग। एक काम कर, मैंने नीचे जो है तीन चार डायमंड्स मैंने अभी छोड़ के आया हूं, मैं फटाफट उनको माइन करके आता हूं, क्योंकि मेरे को डायमंड्स चाहिए। ठीक है, तो मेरा ध्यान रखियो और यहां से कहीं मत जाइयो। अच्छा, समझ रहे ना? यहां से कहीं मत जाइयो। ओके, तो चलिए गाइस मैं चलता हूं अपनी माइन की तरफ एक बार फिर से। मुझे लग रहा है कि यार ये चोर को तो पकड़ना पड़ेगा, एकदम काम खराब कर रहा है यार ये तो। और लोगी भी गाइस मेरे घर के हेलीकॉप्टर ठीक तरीके से नहीं कर रहा। एक काम करता हूँ, लोगी के घर जाता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत खाना पीना बचा तो मैं थोड़ा बहुत खाना पीना साथ में लेके आता हूँ। और एक बारी मैं सोच रहा हूँ कि गाइस जिस बारी मैं TNT मार कर सारी माइन उड़ा दूं, तो जितने डायमंड हैं सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। तो एक काम करता हूं, ये आईडिया एकदम से मस्त लगा। लोगी के घर देखो भाई, एकदम मस्त लग रहा है भाई। वेट अ मिनट, अरे ये सारे डायमंड्स तो मेरे हैं। व्हाट, ये मेरे डायमंड्स और ये व्हाट? हे, लॉगी कहाँ पे इस बारी? अगर मैं देखूँ तो लॉगी मेरे घर में है। इज दैट माय हाउस? ओ माय गॉड, क्या लॉगी चोरी कर रहा है मेरे डायमंड्स, वो भी मेरे घर से। ये सुरंग किस चीज की है? नीचे सुरंग खोद के रखी है, जो कि कहाँ पे जा। अजी कैसे हो मामा, डायमंड निकाल मेरे। कौन से डायमंड? मैं कुछ नहीं लिया। तेरी पूरी टैची भरी हुई है डायमंड से, जल्दी कर मेरे डायमंड निकाल। मैं उस भाई साहब को पता नहीं है। इसी के साथ ही गाइस मैंने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे को पता भी नहीं था कि ये लॉगी चोर था। लॉगी एकदम से चोर निकला। निकला मेरे घर के अंदर से सुरंग खोद के रखी है तूने, और कहां से गया ये सुरंग? ओके, तो आई थिंक गाइस ये सुरंग बिल्कुल यहां से लेके गया, नीचे से। अगर मैं ये तोड़िए लॉगी, अगर इसमें तोड़ू तो ओ भाई। ओके, पूरी प्लानिंग करके लेके आया, तो बिल्कुल नीचे से गाइस ये पता क्या करता है, ये नीचे से आया यहाँ पे कॉबलस्टोन का ब्लॉक तोड़ा, और बिल्कुल ठीक इसके ऊपर मेरा चेस्ट था। ये देख रहे हो ना, बिल्कुल ऊपर चेस्ट है, चेस्ट से डायमंड्स निकाले, ये कॉबलस्टोन फिर से रखा, और चलो भाई किसी को कानो खान खबर भी नहीं होगी कि मेरा डायमंड चोरी हो रहा है, मेरे को पता भी नहीं है। तो लेकिन हमने चोर को पकड़ लिया, हमने रंगे हाथों चोर को पकड़ लिया, और चोर हमारे घर में छुपा हुआ है। तो चलो उसको मैं पनिशमेंट भी दूंगा। इधर आ चोर कहीं के, मैं भाग रहा हूँ। रंगे हाथों पकड़ा गया फिर भी कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना काफी, हमने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, और मेरे को तो इस वीडियो में बहुत मजा आया। अगर आपको मजा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, गिव मी 30,000 लाइक्स एंड वी विल रिकॉर्ड समथिंग सिमिलर। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।